नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट। दीज आर बेसिकली अगेन द अनकंडीशनल ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स अगर आपका प्रोग्राम का कोई फ्लो चल रहा है एग्जीक्यूशन का, तो उसको बीच में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जा सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं by using break, continue and exit, right? तो ये कहीं ना कहीं go to a label की तरह ही work करते हैं, कुछ अलग की तरह काम करता है, कुछ break की working अलग है, continue की अलग है, exit की अलग है, but ये कहीं ना कहीं go to label, break, continue, exit, ये सब जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके program के execution को बहुत तेज बहुत एफर्ट के साथ चेंज करते हैं, और आप जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी चेंज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये है क्या। सी इज़ अ लैंग्वेज विच एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट विच इज विद इन इट्स सिक्वेंशली वन आफ्टर द अदर। तो सी जो लैंग्वेज है वो स्टेटमेंट को सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करती है। इवन इफ इट इज़ एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। प्रोग्राम का जो फ्लो है वो क्या है, आपके टॉप से बॉटम की तरफ है। लेकिन अगर मैंने पिछले कुछ स्लाइड में डिस्कस किया था, गो टू और लेबल जो है वहाँ पे बैकवर्ड मूविंग, बैकवर्ड जंपिंग भी थी। दैट मींस लेबल ऊपर था, गो टू नीचे था। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो बॉटम से टॉप की तरफ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम के फ्लो और प्रोग्राम के डायरेक्शन को बिल्कुल बदल देते हैं। देर इज नो रैंडम जंपिंग और स्किपिंग ऑफ सिक्वेंशियल फ्लो। यहाँ पे कोई रूल नहीं है जंप करने का कि आपको दो के बाद जंप करना है, तीन के बाद जंप करना है, या ये करना है या ऐसा करना है। यहाँ पे रैंडम जंपिंग हो सकती है, राइट? तो बिकॉज या तो हम कुछ कंडीशन के बाद जंप कर रहे हैं या अनकंडीशनली कहीं भी जंप कर रहे हैं, तो जब हम अनकंडीशन जंप करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो रेगुलर जंपिंग है वो ब्रेक होगी, यानी आप रैंडम जंप नहीं कर पाएंगे। In some cases, we have to deviate from normal sequential flow of the code and have to jump to the execute next set of statement. यानी हम लोग यहाँ पे normal flow के execution को क्या कर रहे हैं, deviate कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक program का जो sequence है execute होने का, वो top से bottom की तरफ होता है, right? तो ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, एग्जिट हो गया, या गो टू एंड लेबल हो गए, वो आपके प्रोग्राम के सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो कहीं भी रैंडमली आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, राइट? एंड हैव टू जंप टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और कहीं भी जंप कर जाएंगे जहाँ पे आपके प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करने हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स। ये ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। गो टू और लेबल को मैंने अलग डिस्क्राइब कर दिया है बिकॉज उसकी वर्किंग बिल्कुल अलग है। अब यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ब्रेक, कंटिन्यू एंड एक्सिट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू डिसकंटिन्यू द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड विदाउट एनी कंडीशन, इट विल बी जंप आउट फ्रॉम द करंट एग्जीक्यूटिंग लूप। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ब्रेक करते हैं तो वो करंट जिस स्कोप में लिखा हुआ है, करंट जिस किस स्कोप में लिखा हुआ है, इफ के स्कोप में लिखा हुआ है, स्विच केस के स्कोप में लिखा हुआ है, या लूप के स्कोप में लिखा हुआ है, वो वहाँ से उसको बाहर ले आएगा, राइट? तो मान लीजिए अगर आपने ब्रेक, मान लीजिए दो या तीन लूप आपने यूज़ किए हैं और आपने ब्रेक सबसे इनर लूप में लगाया है, तो ये ब्रेक सिर्फ इनर लूप से बाहर लाएगा, सब सारे लूप से बाहर नहीं लाएगा। तो ये करंट जिस स्कोप में होता है उस स्कोप से आपको बाहर लेके आता है, राइट? और ये प्रोग्राम के करंट जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको पूरी तरह से ब्रेक कर देगा और आपको उस स्कोप से बाहर ले आएगा। वी कैन हैव कंडीशन टू चेक इफ़ वी हैव टू ब्रेक और नॉट, बट दोज कंडीशन आर नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। तो हम जो ब्रेक एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई ना कोई कंडीशन होने सेटिस्फाई होने के बाद ही ब्रेक करेंगे, अदरवाइज अननेसेसरी ब्रेक नहीं करेंगे, ओके? स्टिल वी हैव इफ स्टेटमेंट फॉर द सेम। यहाँ पे हमारे पास इफ भी कंडीशन है, इफ़ में कंडीशन आप चेक करें और फिर ब्रेक करें, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक जो है वो बेसिकली आपको आपके करंट एग्जीक्यूशन को ब्रेक करेगा और जिसको मैं सिर्फ उससे बाहर लेके आएगा। देन ब्रेक स्टेटमेंट फ्लो चार्ट देखें आप इसका, कंडीशनल कोड, कंडीशन, देन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशनल, अगर आप देखें इसमें इसको,
कंडीशन हो गया, कंडीशन कोड के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आया, तो वो ब्रेक स्टेटमेंट जब आएगा तो वो उस कंडीशन को चेक नहीं करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। कंडीशन ट्रू होती है तो वापस वो कंडीशन कोड पे जाएगा, राइट। कंडीशन अगर कंडीशन इस तरह से है कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो वो सीधा उस कंडीशन से बाहर ले आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। एच इंक्लूड एस ए डॉट एच, एच इंक्लूड कोना डॉट एच, वॉइड मेन इंट आई सी एल आर एस सी आर फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन टेन, आई प्लस प्लस, इफ आई ग्रेटर देन फाइव, ब्रेक टर्मिनेट द लूप, राइट। इसका आउटपुट देखें आप, ये कह रहा है कि हमें ब्रेक कब करना है। हमें ब्रेक करना है जब आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए। तो देखिए आई की वैल्यू शुरू हो रही है 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5 ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो ग्रेटर देन कंडीशन कब ट्रू होगी, जब 6 ग्रेटर देन 5 होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो प्रिंट होगा। जैसे ही वो 6 हो जाएगा, इसका मतलब ब्रेक वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, और रन होते ही वो आपको लूप से बाहर ले आएगा, ओके। चलिए फिर आते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। दिस इज सिमिलर टू द ब्रेक स्टेटमेंट, बट इट विल नॉट जंप आउट ऑफ द लूप, इंस्टेड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द सेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनसाइड द लूप बॉडी फॉर करंट इटरेशन एंड जंप टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। कंटिन्यू का मतलब ये है चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, जहाँ कंटिन्यू वर्ड आपको मिलता है उसके नीचे आपने लूप में जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं उन सबको स्कीप करके सीधा कहाँ पहुँचेगा, नेक्स्ट इटरेशन में पहुँचेगा। यानी अब नेक्स्ट इटरेशन को बढ़ा के वापस लूप के अंदर आएगा। दैट मीन्स ये करंट जो चल रहा है उसको स्कीप करके अगले वाले पे जंप कर जाएगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्कीप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। जो कंटिन्यू है वो करंट वाले को स्कीप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंपल सिंटेक्स है कंटिन्यू, राइट। तो ये ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, गो टू, लेबल, ये सब कीवर्ड्स हैं, राइट, रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड्स हैं। तो कंटिन्यू आप लिखोगे डायरेक्टली वो वहाँ पे जंप करेगा। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। एंटर लूप, टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लूप, ट्रू, कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू मिला, इसने रिमेनिंग जो बॉडी लूप था उसको स्कीप किया और वापस यस मिला, तो सीधा कहा जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लूप, जो जहाँ पे हम लूप के अंदर कंडीशन चेक करते हैं, इटरेशन जो नेक्स्ट इटरेशन पे है उसको इटरेशन बढ़ा के कंडीशन पे आएगा। फिर कंटिन्यू आया, फिर वापस ये चली चलेगी। जब वो टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो जब फॉल्स होगा तब आप आओगे स्टेटमेंट जस्ट बिलो लूप, राइट। तो कंटिन्यू जहाँ होगा वो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उन सबको स्कीप करके नेक्स्ट इटरेशन पे जंप करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हैश इंक्लूड एसटीआर डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन आर डॉट एच, वॉइड मेन इंट आई सीलर फॉर आई इक्वल टू 65, आई लेस देन इक्वल टू 122, आई प्लस प्लस, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 91 एंड आई लेस देन इक्वल टू 96, कंटिन्यू, प्रिंट एफ पर्सन इज सी आई। यहाँ पे देखें 95, 60 देखें 122 तक के जो भी नंबर्स के इक्विवेलेंट जो कैरेक्टर हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, राइट। अब आप चाहते हैं कि 91 से 96 जो है वो प्रिंट नहीं हो, तो देखिए क्या लिखा है, इफ़ ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन इक्वल 91 एंड आई लेस देन 96, तो कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 91 पहुँचेगी, कंटिन्यू का मतलब है नेक्स्ट इटरेशन, यानी आई प्लस प्लस पे जाएगा उसको 92 कर देगा, फिर नीचे आएगा आई ग्रेटर देन 91 है लेस देन 96, तो 92 है, 92 इसका मतलब वापस कंटिन्यू, वापस आई प्लस जाएगा 93। इस तरह से वो 91 से 96 की जो भी नंबर्स हैं उन सबको स्कीप करेगा और फिर वो उसके बाद वो क्या करेगा, प्रिंट एफ परसेंटेज सी और आई। तो परसेंटेज सी आई तो लूप के अंदर लगा वो तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन आपने स्पेशल कंडीशन लगाई है कि 91 से 96 की जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दे हैव टू बी स्कीप्ड। स्कीप करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, कंटिन्यू। तो जैसे मैंने कंटिन्यू एग्जीक्यूट करे होगा, ये डायरेक्टली पहुँचेगा आई प्लस प्लस पे, फिर वो आई लेस इक्वल टू 22 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा कि आगे आप उसको अंदर क्या करना है, राइट। तो इस तरह से जहाँ भी कंटिन्यू मिलता है आपको, आपको उसके नीचे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी आई, इसको स्किप कर रहा है, इसको बार बार स्किप कर रहा है, 6 बार इसको स्किप करेगा 91 से 96 तक, राइट, और नेक्स्ट स्टेशन पे जाके उसके नेक्स्ट स्टेशन को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, दैट इज कॉल्ड एग्जिट स्टेटमेंट।
एन एग्जिट स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट द करंट एग्जीक्यूशन फ्लो. एग्जिट का मतलब है कि हम पूरी तरह से प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे. देखिए, ब्रेक से हम किसी भी स्कोप से बाहर आ रहे हैं. अगर आपको प्रोग्राम से ही बाहर आना है तो उस कंडीशन में आपके पास फैसिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड एग्जिट, राइट. इट इज़ एन इनबिल्ट सिस्टम फंक्शन. इट इज़ अवेलेबल इन stdio.h हेडर फाइल में ये इनबिल्ट फंक्शन है, लिखा हुआ है वहाँ पे. आपको फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा व्हेन यू यूज द एग्जिट स्टेटमेंट. एज सून एज द एग्जिट स्टेटमेंट इज फाउंड, इट विल बी टर्मिनेट द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, ये ब्रेक की तरह स्कोप से बाहर नहीं लाएगा, ये प्रोग्राम को पूरी तरह से बाहर ले आएगा. इट इज सिंपल आर्ग्यूमेंट फॉर जीरो, फॉर एग्जाम्पल एग्जिट जीरो, राइट. तो इस तरह से जो एग्जिट इनकी मीनिंग होते हैं, एग्जिट जीरो, एग्जिट वन, एग्जिट टू, राइट. तो एग्जिट जीरो करेंगे तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, राइट. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. हैश इनक्लूड stdio.h, हैश इनक्लूड stdlib.h, प्रिंट एफ स्टार्ट ऑफ मेन, एग्जिट मेन, एग्जिट जीरो. तो एग्जिट जीरो होने से पहले आपने दो स्टेटमेंट लिखे हैं. क्या लिखे हैं? स्टार्ट ऑफ मेन एंड एग्जिटिंग द मेन फंक्शन. मेन स्टार्ट हो रहा है, मेन ख़त्म हो रहा है, हम मेन से बाहर निकल रहे हैं. तो मेन से बाहर निकल रहे हैं उसके लिए यहाँ पे शायद जब एग्जिट आएगा तो हम क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे. ओके, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग. धन्यवाद.